नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच फेसबुक पेज पर। तो भाइयों, काफ़ी समय बाद आज फ्रंट से वीडियो बना रहे, और आज की वीडियो भी कुछ अलग हटके है। ये हमने कोरियर करके स्प्रे मशीन मंगाई, बैटरी वाली। बैटरी वाली हमने कई कंपनी की स्प्रे मशीन देख ली, लेकिन काफ़ी सारे किसान भाइयों से बात हुई, उससे बाद में हमने यूट्यूब पर भी वीडियो देखी थी। ये भाइयों किसान एग्रो वालों की है, उत्तराखंड हरिद्वार में, और ये मंगानी भी बहुत आसान है। 500 रुपये से हमने इसकी बुकिंग करी थी, और स्प्रे मशीन भी उनके पास में 5,500 रुपये की भी है, 5,000 की भी है, 3,000 रुपये की भी है। सभी प्रकार की स्प्रे मशीन है, और सबसे बड़ी बात थी कि इनके मशीन की 7 साल की वारंटी तो बोड्डी की है, और 1 साल की फुल्ली गारंटी आपकी मशीन की, मोटर की, बैटरी की सारी मिलेगी कंप्लीट। देखिए भाई, तो भाइयों हमारे यहाँ पर मशीन दे के जब भी गए, और बाकी के पैसे जब देने आपको, 500 रुपये से आप बुकिंग कर सकते हो। बाकी की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगे कि मशीन है किस क्वालिटी की, क्योंकि हमें तो पसंद आई, हमने देखी जब भी हमने मंगवाई। और अब बहुत सारे हमारे किसान भाई है दुकानों पर से स्प्रे मशीन ले रहे, तो दुकान वाले क्या है कि 1-2 हज़ार रुपये बचत के जरूर चाहिए। 3,000 रुपये के अगर वे किसान को दे रहे, तो वो मशीन 2,000 रुपये की उन्हें पड़ रही। कुल मिला के हमें ये पसंद आई तो हमने मंगवाई। बाकी के आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं इसकी फटाफट से, कैसे कैसे किस तरीके से इन्होंने कर रखा। ये बड़े वाले गन लगा ली, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगे। बाकी वीडियो तो आप खेत में देखना जब हम इसमें स्प्रे करेंगे, क्योंकि 4 तरह के फुहारे हैं। कट नोजल भी है इसमें, नोजल जो दे रखे, और एक इस तरीके का नोजल है, एक ये हो गया आपका दूसरी तरीके का, और उसके साथ में भाइयों क्लच भी मुझे बहुत मजबूत लग रहा। ये बागवानी के लिए हो गया आपका। बाकी मेरे मन में है कि एक बार पानी भर लें इसमें। एलईडी का बल्ब इसके साथ में है, ये भी जला के दिखवाऊंगा आपको। अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीज़ें रखी। तो सबसे पहले इसमें पानी भर के एक बार चेक कर ले जी सर, मैं पानी ले आऊँ एक बार। बीस लीटर की है। मैं थोड़े भर ला भी भाइयों। एक चीज़ ये अच्छा दिया है इन्होंने, देखो चार्जिंग का, यहाँ पे पानी ना जावे। और एक इसमें रेगुलेटर लग रहा, दोनों मोटरों के स्विच दे रखे। ये देख लो आप, इधर से दिख रहे, ये रहे जी। यहाँ से आप स्प्रे मशीन कुछ है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, रेगुलेटर दे रखा इसमें। बाकी का एक बार चलवा के देखते हैं आप इस पर। एक मोटर पता यो है, एक डबल पे सामने दीवार पे पहुंच रहा है ना, ये देखो। तो पेड़ वेड़ इससे आसानी से धो सको। है ना, इतने बड़े ऊंचे पेड़ पे ये देखो जी। अब इसका दूसरा फुहारा बना लो चाहे इसी से फोक वाला, ये देखो कितना जबरदस्त है, भाप बना दी नहीं बिल्कुल, ये देखो जी। ऐसा कर लो चाहे ऐसे बना दो, ये तो ये हो गया। अब इसमें दूसरे बड़ा और जोड़ ले एक बार, अच्छे क्लच भी कितना बढ़िया दे रखा मजबूत करके। और ये है इसमें भाइयों जोड़ के, इसी से आप बड़ी कर सको इसे, ये देखो जी। एक तो इसके आगे ये लग जाएगा, तीन स्प्रे एक साथ है ना। और इसमें भी एक बोर है, बड़ी डंडी कर लो या छोटी कर लो, ये देखो इसमें भी सिस्टम है। यहाँ करके से और ऐसा चढ़ा लो चाहे,
तो एक बार इसे चला के दिखाते हैं तीन इसे, बाकी इसमें पार्सल दे रखे, कहीं से पानी वानी लीकेज होगा तो कोई बात नहीं। चलो उससे आगे देखो, ये थ्री नोजल वाला है, ये लगा लिया। और अब इसका प्रेशर दिखवाते हैं आपको चेक करवा कर। ये सिंगल मोटर पे है, ये देखो कितने बड़े एरिया को छोड़ करके बढ़िया तरीके से कर सको। बाकी डबल पे दिखाता हूँ भी, ये देखो जी भाप बना दी नहीं है, ये देखो जी गजब। और ये छुट्टों के साथ ही तुरंत बंद है मशीन, ये नहीं एक मोटर पर लोड पड़ रहा, ये भी ऑटोमेटिक है, इसमें बढ़िया बात। ये दब के चालू, ये हो गया बंद, ठीक है जी। अब इससे आगे दूसरी तीसरी जो इसमें इन्होंने दिया है फुहारा, इस तीसरे फुहारे में कट नोजल है और दो तरीके के ये फुहारे हैं भाइयों। इसमें से मैं आपको एक ही दिखा दूँ बस, तो इधर ये देखो डबल मोटर पे अकेले छोड़ दो बंद, इससे अलग एक और बच रहा इसका, वो और दिखा दो एक मिनट। एक ही आ गया सिंगल वाला छोटा, अब इस छोटू का कमाल देखो जी, लिखी जाओगे भाई, ये भी बढ़िया बना रहा फुहारा, ये देखो जी जैसी जरूरत वैसा फुहारा कर सको, किले छोटते बंद, ये देखो चल लो कमाल। एक और रह गया जी, अब वो और दिखा दे, ये दो वाला चला दिया जी भाई, वाह गजब। ये लो जी, तो ये तो भाइयों मैंने आपको इसके दिखा दिए फुहारे किस किस तरह के। बाकी इसमें एक चीज़ और रहेगी जो मैंने अभी चेक नहीं करी, वो दिखा दे एक बार आपको। इससे कैसे ये जो दिखाया ना पीछे से किस तरीके से मशीन जो इधर उधर नहीं हलने की, वो बता रहे थे मैंने वीडियो में देखा था, इसे और लगा के देखते हैं चेक करके एक बार। ये देखो भाइयों, ये लग गया और मशीन अब बिल्कुल भी इधर नहीं हलने की और ये कमर में चुभने की नहीं, ये देखो कितनी बढ़िया फिटिंग आई पीछे से। तो जी हमारे हिसाब से तो पास है बिल्कुल मशीन, बाकी के खेत में दिखाऊंगा आपको। और नंबर स्क्रीन पर दिया जाएगा, जिस भाई को बुक करके मंगवानी हो बिल्कुल भरोसे की चीज़ है। और ज़्यादा जानकारी के लिए नंबरों पर संपर्क करें, नमस्कार। तो भाइयों देखो, एक तो मशीन में मुझे ये बेल्ट बहुत बढ़िया लगी, मैंने टांग के जैसे देखी तो बहुत आराम मिला, मशीन इधर उधर ना जावे, तो ये बहुत अच्छा दे रखा, कमर पर पसीना भी नहीं आने का किसी तरीके से, बहुत आराम फील हो रहा। चार्जर देखो कितना ज़बरदस्त दिया गया इसमें, ठीक है जी, ये मात्र 4 घंटे में आपकी मशीन फुल चार्ज हो जाएगी। ये कवर दे रखा जिससे आपका पानी वगैरह ना जावे, रेगुलेटर हो गया, दोनों बटन हो गए। उससे अलग भाइयों इसकी जो बॉडी है ये बहुत मजबूत दे रखी, ठीक है जी। दूसरा किसान एग्रो डबल वुल में ये देख लो आप। और इसके साथ में भाइयों जैसे ये नोजल दिया ब्रास में है, बहुत मजबूत तरीके से दे रखा, बैटरी 12 वोल्ट की है इसमें। और बैटरी के लिए भी भाइयों बाहर भी निकाल सको आप बैटरी, उसके लिए भी दे रखा इन्होंने। बाकी के तीनों जो लिए होगे, एक मैंने मशीन में लगा दिया चेक करा। और एक ये जो एलईडी का बल्ब दिया, आपकी मशीन की बैटरी सालों साल चलेगी, क्योंकि आप अगर हाँ खेत में हैं और किसी कारण से लेट अगर स्प्रे कर रहे तो आप इसे इन्वर्टर का भी काम इससे कर सकते हैं, जहाँ चार्जिंग वाले पॉइंट में ही लगेगा और एलईडी का चमकदार बल्ब जलेगा। तो भाइयों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। बाकी के अनबॉक्सिंग आप देख नहीं, और यहाँ से और दिखा दूँ मैं, देखो हैवी ड्यूटी 12 वोल्ट की बैटरी होगी और ये 8 LPM कॉपर मोटर हो गया, डबल मोटर में है और 1.7 एम्पियर का फास्ट चार्जर हो गया। और ये देखो पीछे बैक सपोर्ट भी दे रखी इसमें, बेल्ट बहुत हैवी वाली है। बाकी का ये कवर मैंने दिखाया आपको, ये इसके बॉक्स पे एलईडी का वायर से बल्ब हो गया
ये डब्बे के बाहर भी दिखा रखे कौन कौन टेक्नोलॉजी है, ये देख लो जी। तो भाइयों जो नंबर मैंने दिए स्क्रीन पे, इन पे आप संपर्क करके ये मशीन ले सकते हैं। नमस्कार।